उनके घरों का उड़ाते हैं। उसके बाद भी उनकी ऐंठ गाली, उनका गुस्सा सब कुछ झेलना पड़ता है, कि ये डर रहता है कहीं काम ना छूट जाए हमारा, फिर भी हम उनके नाजायज बात को भी उनके बर्दाश्त करना पड़ता है हमें। सीमापुरी, असलम इन दिल्ली। इट इज़ नॉट जस्ट एन अनदर स्लम, बट इट इज़ अ प्लेस ऑफ नो होप। दिलशाद गार्डन के पास पड़ने वाला यह स्लम बहुत सी ऐसी बातें, बहुत सी ऐसी कहानियां लिए छुपा है जिनसे कई लोग वंचित हैं। इन हज़ारों लोगों के हालातों को जानने की कई लोग दावा करते हैं, पर क्या हकीकत में कभी हमने अंदर से यह स्लम देखे भी हैं? तो आज मैं आपको सीमापुरी स्लम अंदर से कैसा दिखता है और लोग किन परिस्थितियों में अपना गुजारा करते हैं उसकी एक झलक दिखाऊंगा। शेख रफीकुल मेरा नाम। शेख रफीकुल आपका नाम है, अच्छा। तो आप यहाँ पर कब से हैं? यहीं पैदा से। जी मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। मोहम्मद जावेद, आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं जावेद जी? भाई साहब, मैं तो बचपन मेरा यहीं बीत गया। सन 2004 में मेरे पापा एक्सपायर हुए थे, जब से मैं यहीं पे रहता हूँ और यहीं पे अपना कबाड़ा बीन के अपना जीवन चलाता हूँ। आज मेरे बीवी बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं मेरे, दो बेटियाँ, एक लड़का है छोटा, दो बड़ी बेटियाँ। मैं उनके लिए अपना रोज़ कबाड़ा बीनता हूँ, या बेलदारी करता हूँ, या रिक्शा चलाता हूँ, जैसे भी अपना परिवार पालता हूँ। शेख नाजीर है। शेख नाजीर आपका नाम है, ठीक है। तो आपकी उम्र क्या है? उम्र 38 है। 38 साल आपकी? थोड़ा लाउड बोलिए आप। 38 है। 38 साल है। तो आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं? पैदाइशी आपकी 38 साल से आप इस जगह में रह रहे हैं। लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। यह कहानी हम सभी ने अपनी 12वीं कक्षा में इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक में पढ़ी होगी, जिसमें सीमापुरी स्लम के हालातों का वर्णन किया गया है। फर्क सिर्फ इतना है, वहाँ साहिब आलम था, यहाँ शेख रफीकुल है, जावेद है, जो अपने संघर्षों, अपने हालातों को बयां करते हैं। इन लोगों से बात करने से पहले मैं चाहता हूं आप देखें वो जगह जहां पर यह रैक पिकर्स 16 से 18 घंटे काम करने के बाद एक्सपेक्ट करते हैं थोड़ा सा आराम उनको नसीब हो। तो किसी भी रैंडम गली से आप इस स्लम में एंट्री ले सकते हैं और मैं दावा करता हूं आप अचंभित रह जाएंगे। जैसे जैसे हम इन गलियों के अंदर जा रहे थे, एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। वी स्टार्टेड फीलिंग इनसिक्योर, एज इफ हम किसी और कंट्री से आए हों। कुछ गलियों में तो दिन की रोशनी में अंधेरा था और मैं यह सोचकर घबरा रहा था कि रात के वक्त यहाँ क्या समा होता होगा। इन गलियों में मुझे महसूस हुआ कि यहाँ एजुकेशन, लिटरेसी, डेवलपमेंट जैसी चीज़ों का नामो निशान नहीं है। इंस्टेड आई फेल्ट कि यहाँ पर बहुत सारा हार्ड वर्क, डिसअपॉइंटमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन है, और बहुत सारा नशा भी। जैसा कि आप भी देख रहे होंगे, इन गलियों में ज़्यादातर बच्चे और कुछ औरतें घर के बाहर दिखती हैं। इसका रीज़न यह भी है कि इस स्लम में पुरुष और कई महिलाएं भी कबाड़ी का काम दिन भर करते हैं। इस बस्ती में इतना कुछ है जो एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता, पर मुझे उम्मीद है जल्द मैं आपके सामने इसी प्रकार की एक और वीडियो लेकर आऊँगा। तो आइए इन लोगों से बात करके उनकी परिस्थितियों को जानने की कोशिश करते हैं। ये काम कब से कर रहे हैं आप? भैया 10 साल से कर रहे हैं। 10 साल से काम कर रहे हैं। आपका एक्चुअल में काम क्या है, आप मेरे को बता सकते हैं? भैया ये हम कबाड़े काम है। आप कबाड़े काम है? तो आप जाते हैं बिनने के लिए? बिनने आपका कबाड़ा बिनते हैं? ठीक है, रेडी लेके जाते हैं। ये आपके पास लोग आते हैं कबाड़े? नहीं, हम बिनने जाते हैं। बिनने जाते हैं, और बिनने के बाद फिर उस कबाड़े का क्या करते हैं? और वो फिर एक कूड़ा जाता कहाँ? ये कूड़ा जाता है गाजीपुर। गाजीपुर जाता है जी। और फिर क्या रेट मिलता है आपको? ये कबाड़े के रेट हमारे कोई कोई रेट है 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये। दिन की कितनी कमाई हो जाती है आपकी? 300-400 रुपये कमा लेते। कभी आपकी ज़िंदगी में आपको लगा कि आपको कोई और काम कर लेना चाहिए? हाँ लगता है, मगर क्या करें, हो नहीं पाते और कुछ में खाली हाथ तो नहीं आ पाते ना। अच्छा अच्छा अच्छा। कैसे होगा, जब भी तो कुछ कारोबार खोलोगे। जब लॉकडाउन लगा था तो हम लोग, लॉकडाउन लगने से पहले जिस कॉलोनी में हम काम करते थे वहाँ कुछ भले लोग भी हैं, उन लोगों को जब हमने बताया कि हम आपके वहाँ काम करते हैं, आपके घर का कूड़ा कचरा उठाते हैं, लेकिन इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ना हमारे घर में पैसे पहुँच रहे हैं, तो उनमें से कुछ लोगों ने हमें, किसी ने राशन, किसी ने पैसे, किसी ने चावल, दाल, आटा, इस तरीके से बहुत लोगों ने हमारी मदद करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि हम रोज़ उनके घर में कूड़ा उठाते हैं, इस वजह से उन लोग हमारी मदद करते थे। तो आप बता रहे जैसे आपको पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है, ये आपने कहाँ से सीखा? भाई साहब मैं बचपन में स्कूल में पढ़ता था,
पुरानी सीमापुरी के गोल चक्कर वाले स्कूल में, तो वहीं पे पढ़ते पढ़ते थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना मैं सीख गया था। तो मतलब दिमाग ज़्यादा तेज था पढ़ाई लिखाई में, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हो पाया क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी, गरीबी भाई मेन बात है ना, गरीबी से परेशान हो गया। वरना आज हम भी कहीं ना कहीं ऑफिस में बैठे, गरीबी से निजात नहीं मिला आपको इन इन सालों में। कितनी उम्र है आपका? मेरी है भाई 28 ईयर है। गरीबी से निजात आपको नहीं मिली? नहीं मिली भाई अभी तक। हमारे माँ बाप दादा हम सब ने फुल मेहनत करी। हमारी पार्टी तो हमें अच्छा लगता है, हमारी कांग्रेस पार्टी अच्छा लगता है। कांग्रेस पार्टी अच्छी बस सबसे अच्छा। लेकिन अभी तो बीजेपी पार्टी है ना? बीजेपी आया तो क्या करे, मगर उसका तो खाली गुण गाना पड़ता है अच्छा। मगर उसके लिए तो और कुछ नहीं है। तो आपको लगता है आपके लिए बीजेपी पार्टी कुछ कर रही है? कुछ भी ना कर रहा, क्या कर रहा है? गरीबों को तो चूस ले रहा है, गरीबों को काम धंधा की में चौपट कर रहा है, गरीबों का काम धंधा चौपट है। तो आपने 38 साल के अंदर यहाँ पर, आपको 38 साल हो गए यहाँ रहते हुए, तो आपको लगा कि इस जगह में कुछ बदलाव आया है? हाँ थोड़ा बहुत तो बदलाव आया है, ऐसा है बहुत बदलाव में आया, थोड़ा बहुत आया है। ये कांग्रेस की राज में बदलाव आया था। ये लेकिन यहाँ जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ लोग बंगाली में बात कर रहे हैं, तो ये इसका क्या? ये बंगाली हम लोग कलकत्ते का रहने वाला, हावड़ा का रहने वाले आप लोग भी? हाँ हाँ, हम तो बांग्लादेशी नहीं है। बांग्लादेशी नहीं, हम लेकिन यहाँ रहते हैं लोग बांग्लादेशी। हाँ, बांग्लादेशी रहता पहले रहते तब नहीं है। हाँ भाई, मैंने ये चीज देखी है कि हाथों में ना लोगों के ये जो निशान है ब्लेडों के निशान नहीं है, ज्यादातर लोगों के मैं देख रहा हूँ यहाँ पर है। ऐसा क्यों? ये सब ऐसा है, कुछ तो हरामीपन में मार लेते हैं, हरामीपन में। अच्छा, बाकी कुछ बंदे हैं जो मुहर्रम खेलते हैं, तो उन लोग जब ताजी आते हैं, जो ताजी देखे होंगे आपने, अच्छा, तो मुहर्रम खेले जाते हैं भाई, उसमें मारते हैं इन लोग। अच्छा, की याद में चीरे मारते हैं उन लोग। अच्छा, मातम करते हैं उन लोग, मतलब इसलिए करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे नशे वशे में मार लेते हैं, जैसे अपने फैमिली से कोई दिक्कत हो गई। सीमापुरी उन चीजों के लिए बहुत फेमस है, ये जो चीना जब्ती होती है, स्नैचिंग होती है, ये भी करते हैं लोग यहाँ पर कुछ? हाँ भाई है, हर तरीके का इंसान है, क्योंकि भाई देखो हर बंदा परेशान है, किसको क्या दिक्कत है क्या नहीं। अब मेहनत करके किसी को फल नहीं हो पा रहा, वो तो दिमाग कहीं भेग जा रहा है, वो गलत कर दे रहा है। बाकी जो सबर पे टिका हुआ है वो तो रोज मेहनत कर ही रहा है बेचारा। बिल्कुल, चोर उठाएगी रहे तो अपना कुछ ना कुछ सीन सवार करके अपने जीवन में कर ही लेते हैं। बाकी शरीफ इंसान का बेचारे का जीना दुश्वार है, तो रोज कमा के लाएगा फिर भी उसे घर में दिक्कत ही है। ये सब देखने और सुनने के बाद तो यही लगता है कि सीमापुरी रैक पिकर्स की जिंदगी आगे नहीं पीछे जा रही है। हमारे समाज का एक तबका आगे बढ़ता चला जाता है और सीमापुरी जैसे इलाकों में रहने वाले लोगों को पीछे छोड़ जाता है। मैं आशा करता हूँ यह वीडियो इन लोगों की ज़िंदगी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी। इसी के साथ विदा लेता हूँ, धन्यवाद।